अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दी क्रैमर्स रूल प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.6 के एट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था बाय यूजिंग दी इनवर्स मेथड आज हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट दी क्रैमर्स रूल फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है फर्स्ट हमने क्या किया लीनियर इक्वेशन जो गिवन थी उन्हें एज इट इज रिपीट किया अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में फर्स्ट जो एक्स का कोफिशियंट है उसे लिखेंगे नेक्स्ट हमारे पास वाई का कोफिशियंट क्या है माइनस टू सेकेंड लीनियर क्वेन में हमारे पास एक्स का कोफिशियंट क्या है थ्री और वाई का कोफिशियंट क्या है टू नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या है एक्स एंड वाई इक्वालिटी का साइन एज इट इज और नेक्स्ट हमारे पास फोर और सिक्स एज इट इज अब हम इसे लेट करेंगे फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल जो सेकंड मैट्रिक्स है ये हमारे पास कैपिटल एक्स के इक्वल equal, इक्वालिटी का साइन एज इट इज और जो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स है इसे हम बी के इक्वल लेट कर लेंगे अब क्रैमर्स रूल में स्टूडेंट्स क्या करते हैं फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है इसे लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू टू माइनस टू थ्री टू क्रैमर्स रूल में क्या करेंगे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज हैं टू और थ्री जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज हैं ये किसकी वैल्यूज हैं एक्स की वैल्यूज हैं है. और जो सेकेंड कॉलम में वैल्यूज हैं ये किसकी वैल्यूज हैं वाई की वैल्यूज हैं वाई की कोफिशंट हैं है. अब हम फर्स्ट हमने क्या लिखा ए की वैल्यू लिखी अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट ए एक्स ए एक्स निकालेंगे इसमें से एक्स के बाद हम ए वाई निकालेंगे अब ए एक्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की वैल्यूज़ गिवन वन है इन्हें हम रिप्लेस करेंगे b की वैल्यूज से तो फर्स्ट हम जो x की वैल्यूज़ हैं उसे किससे रिप्लेस करेंगे जब हमने x फाइंड करना है तो हम x की वैल्यूज़ को b से रिप्लेस करेंगे और जब y फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे b से तो फर्स्ट हमने ए एक्स फाइंड करना है तो x की वैल्यूज को b से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है फोर और सिक्स और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ हमने क्या किया स्टूडेंट्स हमने x a x फाइंड करना था तो x की वैल्यूज को रिप्लेस किया b की वैल्यू से और y की वैल्यूज एज इट इज अब हम ए वाई फाइंड करेंगे तो हम y की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे इससे तो y की वैल्यूज की जगह हमने क्या लिख, लिख लिया फोर और सिक्स y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया b से और जो फर्स्ट वैल्यू थी वो एज इट इज दोबारा देख लें स्टूडेंट्स हमने क्या किया फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन था उसे हमने लिख लिया उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो काम होगा हमने ए एक्स फाइंड करना है ए एक्स कैसे फाइंड करते हैं जो एक्स की वैल्यूज हैं एक्स की उन्हें रिप्लेस करेंगे बी की वैल्यूज से उस और जो नेक्स्ट वाई की वैल्यूज हैं वो एज इट इज़ नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे ए वाई ए वाई कैसे फाइंड करते हैं वाई की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे बी से और जो एक्स की वैल्यूज हैं वो एज इट इज़ और वाई की वैल्यू को किसे रिप्लेस कर दिया बी से अब हम स्टूडेंट यहां से क्या करेंगे फर्स्ट हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे देन हम एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और लास्ट पे फिर हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे एक्स हम ए के बिल्कुल साथ नहीं लिखेंगे ये इसकी बेस में लिखा जाएगा फर्स्ट हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर कैसे करते थे स्टूडेंट्स फर्स्ट हम डायगनल को मल्टीप्लाई करते हैं टू इंटू टू मिड में माइनस का साइन उसके बाद जो नॉन डायगनल्स हैं थ्री इंटू माइनस टू अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा टू टू टाइम फोर माइनस माइनस इज प्लस थ्री टू टाइम सिक्स सिक्स प्लस फोर इज टेन ए डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया अब ए एक्स फाइंड करेंगे डायगनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू फोर मिड में माइनस का साइन उसके बाद नॉन डायगनल क्या है सिक्स इंटू माइनस टू फोर टू टाइम एट माइनस माइनस इज प्लस सिक्स टू टाइम ट्वेल्व ट्वेल्व में एट ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी ए एक्स भी हमने फाइंड कर लिया अब हम ए वाई फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट डायग्नल को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स इंटू टू मिड में माइनस का साइन थ्री इंटू फोर सिक्स टू टाइम ट्वेल्व माइनस एज इट इज फोर थ्री टाइम ट्वेल्व ट्वेल्व में से ट्वेल्व माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो अब हमारे हमने क्रैमर्स रूल में जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है इसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो नाउ एक्स और वाई हमने फाइंड करना है तो एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे ए एक्स का जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है उसे डिवाइड कर देंगे ए डिटर्मिनेंट से इसी तरह जब हम वाई फाइंड करेंगे तो ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे ए डिटर्मिनेंट से हमने क्या किया जब एक्स फाइंड करेंगे तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट और जब वाई फाइंड करेंगे तो ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमारे पास क्या थी ट्वेंटी और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स टेन टेन वन टाइम टेन टेन टू टाइम ट्वेंटी तो हमारे पास एक्स का आंसर यहाँ से क्या आ गया टू अब ए वाई के हमने जो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है वो क्या है जीरो और ए डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया था वो क्या था टेन जीरो डिवाइडेड बाई टेन करे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जीरो तो इस तरह हमारे पास सो सल्यूशन सेट जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है x की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स टू और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जीरो इस तरह हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में भी हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस गिवन थी फर्स्ट इन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं फर्स्ट हम एक्स के कोफिशंट लिख लेंगे थ्री फाइव उसके बाद हम वाई के कोफिशियंट लिख लेंगे माइनस टू माइनस टू नेक्स्ट हम वेरिएबल्स लिख लेंगे एक्स और वाई इक्वालिटी का साइन एज इट इज और लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं माइनस सिक्स और माइनस टेन सेकेंड स्टेप में हम इसे लैक्ट करेंगे फर्स्ट को ए के क्वाल्ट किया नेक्स्ट कैपिटल एक्स इक्वालिटी का साइन एज इट इज और इसे हमने बी के क्वाल कर दिया ग्रामरस रूल में हमने क्या किया फर्स्ट हम जो ए की वैली है उसे लिख लेंगे स्टूडेंट्स थ्री फाइव माइनस टू एंड माइनस टू अब हमने ए एक्स फाइंड करना है ग्रामर रूल के लिए ए एक्स ए एक्स फाइंड करेंगे ए एक्स के बाद हम ए वाई फाइंड करेंगे ए एक्स अगर हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या है ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं जब हम एक्स फाइंड करेंगे तो x को रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यू से x की जगह हमने क्या लिख दिया b की वैल्यूज़ लिख दी और जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ हमने लिखी अब हम ए वाई फाइंड करेंगे तो y को रिप्लेस करेंगे b से तो y की जगह हमने b की वैल्यू लिख दी माइनस सिक्स और माइनस टेन और जो x की वैल्यूज़ थी वो हमने एज इट इज़ लिख दी अब हम क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट्स इनके फाइंड करेंगे फर्स्ट हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे फिर हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे डायगनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू माइनस टू मिड में माइनस का साइन फाइव इंटू माइनस टू थ्री टू टाइम सिक्स माइनस का साइन एज इट इज माइनस माइनस इज प्लस फाइव टू टाइम टेन माइनस प्लस इज माइनस टेन में से सिक्स माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया फोर ए एक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे माइनस टू इंटू माइनस सिक्स मिड में माइनस का साइन माइनस टेन इंटू माइनस टू माइनस माइनस इज प्लस सिक्स टू टाइम ट्वेल्व माइनस का साइन है एज इट इज माइनस माइनस इज प्लस टेन टू टाइम ट्वेंटी प्लस माइनस इज माइनस ट्वेंटी में से ट्वेल्व माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा एट और जो हमारे पास हाईएस्ट अमाउंट है ट्वेंटी उसका साइन क्या है माइनस तो हमारे पास यहाँ के आ गया माइनस एट अब हम ए वाई फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट माइनस टेन इंटू थ्री मिड में माइनस का साइन फाइव इंटू माइनस सिक्स माइनस एज इट इज टेन को थ्री से मल्टीप्लाई करें टेन थ्री टाइम थर्टी माइनस माइनस इज प्लस फाइव सिक्स टाइम थर्टी प्लस माइनस इज माइनस थर्टी में से थर्टी माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया जीरो नाउ अब हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स और वाई एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट है उसे डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट से और वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है उसे भी डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट से x फाइंड करने के लिए ax के डिटर्मिनेंट को ए पे डिवाइड करेंगे और y फाइंड करने के लिए ay के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे ax के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है माइनस एट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट्स फोर अब इनकी कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं फोर वन टाइम फोर फोर टू तो हमारे पास आंसर क्या आ गया माइनस टू का आंसर क्या आ गया माइनस ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी ए वाई का डिटर्मिनेंट जीरो और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था फोर जीरो को फोर पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जीरो सो सोलूशन सेट फर्स्ट हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे माइनस टू देन हम वाई की वैल्यू लिखेंगे जीरो क्रैमर रूल का हमने सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में भी हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस थे इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में फर्स्ट चेंज करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म थ्री माइनस सिक्स माइनस टू प्लस फोर नेक्स्ट वेरिएबल्स लिख लेंगे एक्स वाई नेक्स्ट हमारे पास फोर और सेवन सेकेंड स्टेप में हम इसे लेट कर लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स को ए के इक्वल ये हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वालिटी का साइन एज इट इज और ये हमारे पास बी की इक्वल फर्स्ट हम ए की वैल्यू लिख लेंगे स्टूडेंट्स थ्री माइनस टू माइनस सिक्स प्लस फोर अब फर्स्ट हम क्या करेंगे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ए डिटर्मिनेंट डायगनल कैंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं फोर इंटू थ्री मेड में माइनस का साइन माइनस सिक्स इंटू माइनस टू फोर थ्री टाइम ट्वेल्व माइनस एज इट इज माइनस माइनस इज प्लस सिक्स टू टाइम ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ए e डिटर्मिनेंट है जिससे हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हुए उनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना था ये तो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है जीरो तो हमने फर्स्ट पे जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे इन्वरियन मेथड से वहां पे भी हमने देखा था कि वो वाला मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए नेक्स्ट हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसका हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा नो no सोल्यूशन नो no क्योंकि यहां पे हमारे पास जो ए का डिटरमिनेंट है जिसे हमने एक्स और वाई एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे ए एक्स के डिटरमिनेंट को डिवाइड करते थे ए डिटरमिनेंट से फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक्स कोई भी वैल्यू आ जाए टू ठीक है ये हम एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं अगर हमारे पास ए एक्स की वैल्यू टू है एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया किसी भी क्वेश्चन के लिए उसका आंसर हमारे पास टू आया अगर हम इसे जीरो पे डिवाइड करें तो कोई भी वैल्यू जीरो पे डिवाइड नहीं हो सकती तो इसका मतलब है वो वाला मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा क्योंकि हमने इसको डिवाइड करना था ये मैटर करता है ए एक्स आपके पास जीरो आ जाए वो मैटर नहीं करेगा लेकिन डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो जीरो नहीं हो सकती तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो हमने क्वेश्चन नंबर किया है इसका कोई भी सोलूशन नहीं है अब हम रूल से लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास है फर्स्ट हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म एक्स की वैल्यूज लिख लेते हैं थ्री यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स वन वाई का कोफिशियंट क्या है माइनस फोर और सेकेंड इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट क्या है प्लस टू उसके बाद हम वेरिएबल्स लिख लेते हैं एक्स एंड वाई इक्वालिटी का साइन एज इट इज और फोर और एट एज इट इज अब हम इसे लेट करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स को एक इक्वल लेट किया ये हमारे पास कैपिटल एक्स और ये हमारे पास बी फर्स्ट हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है थ्री वन माइनस फोर प्लस टू हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये भी पॉसिबल है या नहीं है डायग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू थ्री मिड में माइनस का साइन वन इंटू माइनस फोर थ्री टू टाइम सिक्स माइनस माइनस इज प्लस फोर वन टाइम फोर सिक्स प्लस फोर इज टेन टेन इज नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स कि हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं अब हम ए एक्स फाइंड करेंगे ग्रामर्स रूल के लिए उसके बाद हम ए y फाइंड करेंगे ये हमारे पास x की वैल्यूज और ये हमारे पास y की वैल्यूज जब हम ए एक्स फाइंड करेंगे तो x को रिप्लेस करेंगे b की वैल्यूज से तो x की जगह हमने क्या लिख दी वैल्यूज ऑफ b नेक्स्ट जो y की वैल्यूज हैं वो एज इट इज जब हम ए वाई फाइंड करेंगे तो y को रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ b से तो b की वैल्यूज y की जगह आ गई फोर और एट और x की जो वैल्यूज थी वो एज इट इज जब भी हम ए एक्स फाइंड करते हैं तो एक्स को रिप्लेस करते हैं बी से और जब ए वाई फाइंड करेंगे तो वाई की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे बी की वैल्यू से और जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी वो एज इट इज अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे फिर हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे फर्स्ट आइगनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं टू इंटू फोर मिड में माइनस का साइन एट इंटू माइनस फोर फोर टू टाइम एट माइनस माइनस इज प्लस फोर एट टाइम थर्टी टू एट प्लस थर्टी टू इज फोर्टी ए वाई फाइंड करते हैं अब हम ए वाई फाइंड करेंगे ए वाई के लिए हमारे पास क्या है एट को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से एट इंटू थ्री मिड में माइनस का साइन फोर इंटू वन ए थ्री टाइम ट्वेंटी फोर माइनस में से फोर माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया ट्वेंटी नाउ अब हम एक्स और वाई फाइंड करेंगे एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे इसी तरह हम वाई फाइंड करने के लिए ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे ए एक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था स्टूडेंट्स फोर्टी और ए के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है टेन अगर इनकी कटिंग होती है तो कटिंग करते हैं टेन वन टाइम टेन टेन फोर टाइम फोर्टी तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया फोर इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था वो क्या था ट्वेंटी और ए का डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया था वो क्या था टेन टेन वन टाइम टेन टेन टू टाइम ट्वेंटी तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स टू सो सोल्यूशन सेट फर्स्ट x का आंसर हमारे पास क्या है फोर और y का आंसर क्या है टू सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया फोर एंड टू और एक्सरसाइज वन पॉइंट सिक्स के स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग मेरी क्वेश्चन हैं वो भी एज इट इज इन्हीं क्वेश्चन की तरह होंगे अलाफ स्टूडेंट्स